आज मंत्रिपरिषद ने 22 एजेंडों पर निर्णय हुआ है। सबसे महत्वपूर्ण निर्णय यह है कि राज्य सरकार ने चार शहरों में मेट्रो रेल के परिचालन का निर्णय लिया है। इसकी सैद्धांतिक सहमति मंत्रिपरिषद ने दी है। सबसे पहला शहर है मुजफ्फरपुर में मेट्रो रेल, गया में मेट्रो रेल, दरभंगा में मेट्रो रेल और भागलपुर में मेट्रो रेल। तो इसकी फीजिबिलिटी पहले स्टडी की जाएगी, उसके बाद DPR बनाया जाएगा और उसके बाद इस पर इन चारों शहरों में मेट्रो रेल परिचालन का कार्रवाई आरम्भ किया जाएगा। तो चार शहर हैं, चार महत्वपूर्ण शहर मुजफ्फरपुर, गया, दरभंगा और भागलपुर। अभी सैद्धांतिक सहमति दी है, इसके बाद इसका फिजिबिलिटी स्टडी किया जाएगा, शहरों का मैप और ये सब है और उसके बाद इन चारों शहर की फिजिबिलिटी के बाद फिर DPR बनाया जाएगा, फिर कार्रवाई। और इन शहरों में मेट्रो की जो राशि है उसमें सामान्यतः 20% होता है केंद्र का, 20% होता है राज्य सरकार का और 60% जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है उनका होता है। तो ये शेयरिंग पैटर्न भी रहता है इन शहरों में 20-20-60, तो यही व्यवस्था रहती है। और इन चार शहर है मुजफ्फरपुर, गया, दरभंगा, भागलपुर। दूसरा, ये खेल आपको याद होगा, खेल विभाग सरकार ने नया बनाया था और ये उद्देश्य था कि राज्य में खेल को प्रोत्साहन मिले और राज्य में जो खेल है उस पर विशेष ध्यान दिया जाए। और माननीय मुख्यमंत्री जी की पहले भी घोषणा थी कि प्रत्येक पंचायत में खेल का मैदान हो। आपको याद होगा कि समाधान यात्रा में जब गए थे तो यह घोषणा उस समाधान यात्रा के क्रम में किया गया था। अब यह निर्णय लिया गया है कि हर पंचायत में खेल क्लब का गठन होगा, स्पोर्ट्स क्लब का हर पंचायत में, और उसमें खेल की गतिविधियां होंगी और राज्य सरकार समय समय पर इन खेल क्लबों को फाइनेंशियल असिस्टेंस भी देगी। तो ये पहला है कि हर पंचायत में एक खेल क्लब, नगर पंचायत और ग्राम पंचायत में। साथ ही साथ यह भी निर्णय लिया गया कि जहां खेल मैदान पंचायतों में नहीं है वहां पे भूमि अधिग्रहण की भी कार्रवाई की जाएगी, लैंड एक्वायर करके खेल का मैदान बनाया जाएगा। तो खेल के लिए बहुत महत्वपूर्ण कदम है कि हर पंचायत, नगर पंचायत में खेल क्लब का गठन होगा और साथ ही साथ राज्य सरकार इनको असिस्टेंस दे पाएगी और खेल का मैदान के लिए लैंड एक्वायर होगा। तीसरा है, राज्य सरकार जो परीक्षाएं ली जाती हैं विभिन्न नौकरियों के लिए, आपका BPSC है, कर्मचारी चयन आयोग है और जितनी भी आयोग हैं उसमें जो परीक्षाएं ली जाती हैं, यह निर्णय लिया गया कि यदि आयोग चाहे तो विभिन्न चरणों में परीक्षा ले सकते हैं, मतलब जैसे बहुत से बड़ी संख्या हो जाती है, लेकिन जो मुख्य परीक्षा होगी, जो मेन परीक्षा होगी जो फाइनल कट ऑफ वाली परीक्षा होगी वह पटना और इर्द गिर्द में होगा। इसका तात्पर्य यह है कि सपोज किसी 25 लाख लोगों ने अप्लाई कर दिया, यूजली क्या होता है कि पूरे राज्य में परीक्षाएं होती हैं, फिर उसका इवेल्यूशन होता है और उसको कट ऑफ मान के फिर उसका इंटरव्यू और जो भी क्वालिफाइंग पास हो जाते हैं। राज्य सरकार ने कहा है कि जहाँ पे इतनी बड़ी संख्या में लोग रहते हैं तो पहले स्क्रीनिंग एग्जाम लिया जाए, प्रिलिमिनरी एग्जाम, उसके बाद मेंस एग्जाम जो यूजुअली है वो पटना के इर्द गिर्द लिया जाए। इससे क्या होता है कि एक तो परीक्षा पर नियंत्रण रहता है, परीक्षा पर कंट्रोल रहता है और जो अन्य जो समस्याएँ हैं परीक्षा से संबंधित पटना और पटना के इर्द गिर्द है वो नहीं। तो ये उन्होंने लिया गया। दूसरा यह है कि परीक्षाएं अब ऑनलाइन, ऑफलाइन के अलावा ऑनलाइन भी ली जा सकेंगी। तो ये दो परिवर्तन किए गए हैं कि परीक्षाएं दो चरण में ली जा सकती हैं और दूसरा ऑनलाइन की जगह, ऑफलाइन की जगह ऑनलाइन भी किया जा सकता है। दो मेन इसमें परिवर्तन किए गए। अभी तो ऑनलाइन नहीं है, अभी मतलब जो जितने कमीशन है अभी ऑनलाइन भी ले सकेंगे। ये अभी कमीशन पर निर्भर है प्रक्रिया क्या है और विभाग से संपर्क भी करेंगे, ये परीक्षाएं ऑनलाइन ली जा सकती हैं, नहीं ली जा सकती हैं।
हाँ मतलब ये आयोग पे निर्भर है ना, आफ्टर ऑल आयोग ही पर निर्भर है, आयोग ही निर्णय लेगी। बट ये इनेबलिंग क्लॉज है कि परीक्षाएं दो चरण में ली जा सकती हैं, प्रिलिमिनरी और मेंस। बीपीएससी में तो होता ही है प्रिलिमिनरी और मेंस, बहुत सारी परीक्षाएं एक ही परीक्षाएं हैं, और अब संख्या इतनी बड़ी हो गई है कि कंट्रोल नहीं रहता है, कहीं जिले के कहीं पता नहीं कौन अनुमंडल स्कूल में परीक्षा हो रहा है, तो पहले एक बार प्रिलिमिनरी होगा उसके बाद मेंस होगा। मौसम को देखते हुए कृषि विभाग ने एक प्रस्ताव लाया था है कि जो डीजल अनुदान है इसके भुगतान के संबंध में निर्णय लिया गया है कि 150 करोड़ की लागत पर डीजल अनुदान योजना लाया गया है। इसमें धान, मक्का, जूट, दलहन, तेलहन, मौसमी सब्जी, औषधीय सुगंधित पौधों की सिंचाई हेतु दिया जाएगा। इसमें धान है, मक्का है, जूट है, दलहन है, तेलहन है, मौसमी सब्जी है, औषधीय और सुगंधित पौधे। और डीजल अनुदान का रेट भी मैं बता देता हूँ, आप लोग पूछ नहीं रहे ना फिर भी मैं बता रहा हूँ, यह है 75 रुपये प्रति लीटर होता है और एक एकड़ में 10 लीटर का प्रावधान है तो 750 हो गया, 8 एकड़ मैक्सिमम एरिया में दिया जाएगा, बिछड़ा के लिए 2 सिंचाई और फसल के लिए 3 सिंचाई, मैक्सिमम दोनों मिला के 5 हो गया। क्लियर हो गया, लिख लिया आपने। 75 रुपया है प्रति लीटर, 8 एकड़ प्रति एकड़, 8 एकड़ मैक्सिमम एरिया है और 1 एकड़ में 10 लीटर है। राज्य सरकार ने यह गरीबों के लिए 7 निश्चय 2 योजना के अंतर्गत बहुमंजिली आवासन योजना स्वीकृत करने बनाने का निर्णय लिया है और वर्तमान में बिहार राज्य आवास बोर्ड की भूमि पर पीपीपी मोड जन निजी भागीदारी पीपीपी मोड में 750 परिवारों के लिए 5 एकड़ भूमि चिन्हित, जो ये जो हाउसिंग बोर्ड की जमीन है उसमें पीपीपी मोड में बनाया जाएगा, जिसमें एक डेवलपर आइडेंटिफाई होगा, वो गरीबों के लिए आवास बनाएगा और कुछ जमीन पर वे अपने आवास बनाएंगे। ये पीपीपी मोड पे है और ये सभी कार्रवाई आईडीए के सहमति से, जो भी बिडिंग होगी, जो भी एजेंसी का चयन होगा, ये सब आईडीए के सहमति से होगा और जो शहरी जो बस्तियों में रहते हैं फुटपाथ पे या नालों के किनारे, नहरों के किनारे, उन्हें ये घर आवंटित होगा। उपखाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग में 7 निश्चय 2 कार्यक्रम के अंतर्गत दलहन के उत्पादन के लिए बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार ने पूर्व से भी निर्णय लिया है। पहले नेफेड करता था, नेफेड को आइडेंटिफाई हुआ था, अब कैबिनेट ने इसको एनसीसीएफ को भी ऑथराइज कर दिया है कि चना और मसूर के अधिप्राप्ति के लिए उनको भी नोडल बनाया जाए। लघु जल संसाधन विभाग का प्रस्ताव था जिसमें मुख्यमंत्री निजी नलकूप योजना हेतु 35,000 नीली नलकूप के अधिष्ठापन हेतु निर्णय लिया गया। इसकी कुल राशि है 266 करोड़। तो जो नलकूप है उसका लक्ष्य बढ़ा दिया गया है, पहले 30,000 था, बढ़ा के 35,000 हो गया है और इसीलिए एस्टिमेट भी 266 करोड़ हो गया है। और साथ ही साथ यह भी निर्णय लिया गया कि पूर्व में जो 0.4 एकड़ भूमि वाले किसान मिलने में मुश्किल था, अब यह है कि जो इच्छुक किसान है, अगर उनके कमांड क्षेत्र में योग्य भूमि होगी तो उनको भी इसके लिए चिन्हित किया जाएगा और उनको भी यह लाभ दिया जाएगा। यह है मुख्यमंत्री निजी नलकूप योजना है, मतलब अगर उसके यहाँ कमांड एरिया में अगर यह जमीन होगी, मतलब जैसे किसान हो और अगल बगल बहुत सारी जमीनें हैं तो उसको भी दिया जाएगा। 0.4 एकड़ से भी अगर कम होगा, उसका अपना कम होगा, बट कमांड एरिया में बहुत सारे किसानों की भूमि होगी तो उसको दिया जाए। लघु जल संसाधन विभाग के अंतर्गत जो सिंचाई योजना है उसको कार्यान्वयन और उसको मॉनिटरिंग के लिए जो आउटसोर्सिंग एजेंसी के माध्यम से मॉनिटरिंग के लिए निर्णय लिया गया है। इसमें ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा आउटसोर्सिंग के लिए कुछ पर्यवेक्षक लिए गए थे, उसी तर्ज पर अब लघु जल संसाधन विभाग भी इंजीनियर्स और सुपरवाइजर्स लेगा।
वित्त विभाग में जो जीपीएफ का लिमिट, दो कैबिनेट नोट है वित्त विभाग के, एक है जो जीपीएफ का, आपको याद होगा कि 5 लाख का लिमिट निर्धारित किया गया था, अपर लिमिट। अब यह है कि अगर 22-23 में किसी ने, क्योंकि ये निर्णय दिसंबर 22-23 में हुआ था, अगर 22-23 में 5 लाख से ऊपर किसी ने जमा कर दिया है तो उसको भी सूद की राशि दी जाएगी 5 लाख से ऊपर की। लेकिन 23-24 में अगर किसी ने इस रूल को वायलेट करके 5 लाख से ऊपर अगर जमा कर दिया है तो वो राशि जो है, जो इतना राशि 5 लाख से ऊपर है, उसको वापस बिना सूद के कर दी जाएगी। साथ ही साथ इस वर्ष का ये नियम है कि जो लिमिट है, यह भी लिमिट है जीपीएफ में कि 6% मिनिमम 6% आपको जीपीएफ में कटौती होनी चाहिए। लेकिन जीपीएफ अगर 6% भी 5 लाख से ऊपर अगर हो जाता है लिमिट, तो ये 6% का भी लिमिट शिथिल किया जाए। तो ये दो कैबिनेट नोट है, ये वित्त विभाग का कैबिनेट नोट है, जीपीएफ के अपर लिमिट का, और दूसरा है जो लोअर लिमिट है, तो वो जो 6% का लिमिट है उसको भी शिथिल कर दिया। 5 लाख की है, क्योंकि अगर 5 लाख अगर आपको 6% से नीचे हो जाएगा तो वो लिमिट भी शिथिल होगी। राज्य सरकार में जो नियमित कर्मी हैं, उनको चिकित्सा और उनके आश्रित हैं, उनके चिकित्सा प्रतिपूर्ति दी जाती थी पहले, उनके जो पावर्स हैं वो रिवाइज कर दिए गए हैं कि किस स्तर पर वो काउंटर साइन होंगे और अप्रूव होंगे। तो 1 लाख तक सिविल सर्जन को दिया गया है, 1 लाख से 5 लाख, 1 लाख से 10 लाख तक जो प्रशासी विभाग उसको है, और 10 लाख से ऊपर है जो है आपका ये वित्त विभाग है। तो ये पावर्स चेंज हो गए, पहले 50,000 था लोएस्ट सिविल सर्जन का, उसको 1 लाख हो गया, 1 लाख से 10,000 है, 10 लाख हो गया ये प्रशासी विभाग, और 10 लाख से ऊपर हो गया है वित्त विभाग। खेल विभाग में 98 पद जो नया डिपार्टमेंट बना है, उसमें 98 पदों का सृजन हुआ। तो 98 क्योंकि नया डिपार्टमेंट है, उसमें पद सृजन नहीं हुआ था, तो 98 पदों का सृजन हुआ। बिहार उच्च न्यायिक सेवा में 140 पद हैं, ये पूर्व में ये 140 पद टेम्परेरी पद थे, बार बार एक्सटेंड होते थे। ये ADG स्तर के हैं और अन्य सब पद हैं, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज के और सेशन जज के हैं। तो ये 140 पद जो हैं ये परमानेंटली अब गठन हो गए। बिहार वाहन चालक भर्ती एवं सेवा शर्त संशोधन नियमावली 2024 स्वीकृत हुआ है। इसे बेसिकली यह है कि जो आपका कन्फर्मेशन है उसके प्रावधान में संशोधन हुआ है। यदि नियुक्ति के 1 वर्ष बाद ये आपका कन्फर्मेशन होगा, अगर 1 साल में भी आपका संतोषजनक नहीं होगा तो 1 वर्ष और बढ़ाया जाएगा, और अगर उसके बाद संतोषजनक नहीं रहा तो सेवा समाप्त कर दिया जाएगा। बिहार व्यवहार न्यायालय अधिकारी कर्मचारी नियुक्ति प्रोन्नति स्थानांतरण सेवा शर्त नियमावली है। ये जो आपके सिविल कोड्स हैं उसका जो सर्विस रूल्स हैं ऑन अपॉइंटमेंट प्रमोशन एंड ये ट्रांसफर का, ये इसके बारे में हुआ है निर्णय। इसे मूल रूप से जो डिस्ट्रिक्ट जज है वो जो जैसे पटना है, पटना के जैसे हैं, एज द कन्वेनर ऑफ द सेंट्रलाइज कमेटी एक्स ऑफिशियल शैल मेंबर ऑफ द सेट कमेटी इन एडिशन टू चेयरपर्सन ऑफ ईच जोनल सिलेक्शन कमेटी। तो बेसिकली कौन चेयरमैन रहेंगे और क्या कमेटी रहेगी, इसी पर इन्होंने संशोधन किया, और क्या सेंट्रलाइज कमेटी होगी इसका भी उन्होंने विस्तृत से जानकारी दी। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जो राजकीय पॉलिटेक्निक संस्थाएं हैं 46, उसमें कंप्यूटर है, मशीन है, उपस्कर है इत्यादि के लिए 80 करोड़ का जो योजना है उससे सैंक्शन हुआ है। इसी तर्ज पर 38 जो इंजीनियरिंग कॉलेज है उसमें 68,54,00,000 का फर्नीचर, कंप्यूटर, उपस्कर, ये सब मशीन है क्रय करने का निर्णय लिया है। 38 श्रम संसाधन विभाग में 285 पद हैं, जिसमें निम्न वर्गीय लिपिक हैं और उच्च वर्गीय लिपिक हैं। केवल इनका कार्यालय क्या होगा, मतलब इंटर कार्यालय इनका पद सृजन अमेंड किया गया। ये मुजफ्फरपुर थर्मल पावर, ये ऊर्जा विभाग का प्रस्ताव था, मुजफ्फरपुर थर्मल पावर में जो रिटायर्ड कर्मचारी हैं, जो NTPC में मुजफ्फर थर्मल पावर में के जो कर्मी हैं, तो रिटायर्ड कर्मी आपके NTPC में उन्होंने योगदान दिया है, तो उन्हीं के पेंशन लायबिलिटी भुगतान हेतु ट्रस्ट का गठन किया जाना था। इसमें जो विद्युत बोर्ड का जो एग्जिस्टिंग ट्रस्ट है उसी के माध्यम से ये रिटायर ड्यूज दिया जाएगा, यही निर्णय दिया गया।
अधिप्राप्ति का था, जो आपका खरीफ और रबी का अधिप्राप्ति है, इसमें 12,000 करोड़ का ऋण लिया जाना है। इसमें गवर्नमेंट गारंटी राज्य सरकार ने दिया है, ये विभिन्न बैंक से लिया जाएगा। ये 12,000 करोड़ का ऋण है। ये मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग का है, जिसमें बिहार फ्लाइंग इंस्टीट्यूट का 2 पद है। इसमें चीफ मुख्य उड़ान परीक्षक है और डिप्टी उड़ान उप मुख्य उड़ान परीक्षक है। ये चीफ फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर है और डिप्टी फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर है। तो चीफ फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर को 5,50,000 रुपये दिया जाएगा महीने का मानदेय, और डिप्टी फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर को 4,00,000 दिया जाएगा। और ये जो इनके जो क्वालिफिकेशन हो DGCA के मापदंड अनुसार होते हैं, और ये 2 बहुत महत्वपूर्ण पद होते हैं फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर। ये खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग है, इसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय में सुमोटो कांग्रेस के बाद जो अनुबंध में जिला उपभोक्ता विवाद परितोष आयोग में जो निबंधक हैं उसके 20 पद के सृजन की स्वीकृति दी है। तो यही आपके 22 एजेंडा है जिसपे निर्णय लिया गया है।